नमस्कार साथियों, सुशांत की हत्या को लेकर के तरह तरह की बयान और बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुन करके कहीं ना कहीं ये चीज़ें साफ दिखती है कि इस मामले को किस तरीके से तूल दिया गया है और इस हत्याकांड में कैसे कैसे साजिश रची गई है और इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे। आज जो मैं आपको एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, एक ऐसा ऑडियो क्लिप है मेरे पास जो कि सुशांत के जो कुक थे नीरज, उनकी आवाज़ है और उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर बहुत सारी बातों का खुलासा हो रहा है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और एक एक पॉइंट्स को नोट कीजिए। और यह बता दूं कि ये काफ़ी लंबा था इसलिए इसको दो पार्ट में किया गया है। तो पहला पार्ट जो है अभी मैं इस वीडियो के बीच में ला रहा हूं और दूसरा पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा शाम को या कल सुबह, तो उसमें दूसरा पार्ट आएगा। तो इसमें नीरज जो कुक है उसके बयान का काफ़ी महत्व है और उसने एक एक पॉइंट्स पे खुलासे किए हैं, एक एक चीज़ पे बात किया है। तो आइए उसकी बात हम सुनते हैं। नीरज कुक की बात को अब आप ध्यान से सुनिए। सर, जब हम कैपरी हाइट्स में रह रहे थे तभी सुशांत सर ने हमें वॉकी टॉकी दिए थे, तो हमसे वो जो कुछ भी मांगना चाहते थे सर वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। लेकिन सर एक रात कुछ अजीब सा हुआ था। अजीब सा मतलब? सर, जब मैं और रवि सो रहे थे तभी वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज़ आई और नीरज लाइट बंद कर दो। तो मैं ऊपर गया तो देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और सर लाइट भी बंद थी। मैं फिर नीचे आया, थोड़ी देर बाद फिर वही संदेश आया वॉकी टॉकी पर, सुनाई दिया नीरज लाइट बंद कर दो। मैं फिर से ऊपर गया तो मैंने देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और लाइट भी बंद है। इस घटना से मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं उस रात सो भी नहीं पाया था। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी, ड्रम अपने आप बजना, लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे जाना, लाइट अपने आप जलना बंद होना। तो इन्हीं अजीब घटनाओं की वजह से सुशांत सर ने वो कैपरी हाइट छोड़ दिया और वो वाटरस्टोन क्लब में रहने के लिए चले गए। यार, चक्रवर्ती के साथ क्या था? सुशांत सर अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ यूरोप गए थे। जब वो वापस आए तो वह रिया मैडम के साथ ही रह रहे थे, तो उन्होंने दिवाली भी वहीं मनाई थी। और 10-15 दिन के बाद जब वो कैपरी हाइट्स वापस आए तो वो बहुत ही कमज़ोर से लग रहे थे और उसी समय एक नए घर की तलाश भी कर रहे थे। लॉकडाउन में रिया मैडम सुशांत सर के घर रहने के लिए आ गई थी। वे लगातार सर के साथ ही थी। रिया मैडम सिर्फ एक या दो दिन के लिए अपने माता पिता के पास गई थी, फिर उनके माता पिता एक दो दिन के लिए माउंट ब्लैक में रहने के लिए आए थे। तो फिर उसके बाद सुशांत सर और रिया मैडम डेली ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। रिया मैडम और सुशांत सर सुबह में ऊपर छत पर एक्सरसाइज करते थे और कभी कभी लंच के बाद सुशांत सर मुझे बोलते थे कि योगा के और म्यूज़िक के उपकरणों को लगा दो, और डिनर के लिए केशव को बोला जाता था। 8 जून को क्या हुआ? सर, 8 जून को केशव और मैं भोजन तैयार कर रहे थे और हम रिया मैडम और सुशांत सर को खाने के लिए बुलाने वाले थे। तो तभी रिया मैडम ने मुझे बुलाया और उनके बैग में कपड़े रखने के लिए कहा। उस समय रिया मैडम थोड़ी गुस्से में थी। रिया मैडम ने बचा हुआ सामान वापस आकर ले जाने की बात कही। उसी समय रिया मैडम अपने भाई शोविक के साथ बिना भोजन किए चली गई थी। 13 जून को क्या कुछ अलग नोटिस किया तुमने? 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे, तब मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया तो सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे। मैंने कहा मुझे कमरा साफ करना है, तो वो बोले बाद में करना। दोपहर में मैं सर को खाने के लिए खिचड़ी देने गया था और फिर वो ऊपर छत पर टहलने के लिए निकले और फिर जब वहाँ से वापस आए तो मैंने उनसे रात के खाने के लिए पूछा, तो
उन्होंने कुछ खाना वाना नहीं खाया, बस आम जूस पिया था और फिर वो सो गए थे बस और कुछ नहीं। फिर 14 जून? सर 14 जून को वही हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठा और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने गया था और फिर मैं 8 बजे ऊपर के कमरे की भी सफाई कर दी थी सर, और फिर सीढ़ियों की सफाई करते करते सुशांत सर कमरे के बाहर आए, उन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा, तो उन्होंने ठंडा पानी पीते हुए बोला कि हॉल की भी सफाई कर दो, तो मुस्करा कर अंदर चले गए। फिर सुबह 9:30 बजे मैं हॉल में झाड़ू लगा रहा था तो मैंने देखा कि केशव सर के लिए केला जूस और नारियल का पानी लाया था, और जब केशव सर के रूम से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि सर ने सिर्फ जूस और नारियल पानी लिया है। उसके बाद सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनेगा ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया, और जब उसने कमरे में दस्तक दी तो सर उसे पता चला कि कमरा अंदर से बंद है, तो फिर सर जब सर ने दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो सर दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया कि इसकी सारी बातों को सुन करके ऐसा लगता है कि ये पूरी एक ऐसी साजिश थी जो कि पूरा कई लोगों ने मिल करके बनाया, जिसमें कई लोगों का हाथ है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, दीपेश सावंत हो, कई लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें, और ये राज अब खुल रहा है धीरे धीरे। जिस प्रकार से जांच एजेंसियां ने अपने कदम बढ़ाए हैं और गिरफ्तारी के तरफ वो आगे बढ़े हैं, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और कई लोगों को समन जारी किया गया है, तो अब हमें ऐसा अंदाज़ा हो गया है कि हमें सुशांत के न्याय की जो लड़ाई हम पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं उसमें न्याय को ज़रूर मिलेगा और जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, दोषियों को फांसी की सज़ा मिलेगी। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उन्हें अगर अलग अलग तरीके से अलग अलग रूम में बिठा करके उनसे पूछताछ अगर की जाती है तो ये जल्दी केस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो उस रात को 4-5 लोग जो वहाँ पे थे मौजूद उनको अगर अलग अलग तरीके से अलग अलग एक साथ एक अलग अलग कमरे में बिठा करके पूछताछ करते हैं तो हर राज खुल जाएगा और सुशांत के हत्यारे पकड़े जाएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।